आईडी फ्रेश की सफलता की कहानी। इडली डोसा दुनिया के हेल्दी ब्रेकफास्ट की लिस्ट में शामिल है, मगर इस हेल्दी ब्रेकफास्ट ने पीसी मुस्तफा की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। पीसी मुस्तफा उन तमाम लोगों के लिए मिसाल है जो एक बार असफल होने पर हार मान लेते हैं। एक कुली के बेटे होने के बाद भी उन्होंने अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी। अगर आप रेडी टू ईट खाने के बारे में जानते हैं तो आपने आईडी फ्रेश का नाम जरूर सुना होगा। पीसी मुस्तफा इसी कंपनी के फाउंडर हैं। आइए इस वीडियो में हम आपको उनके बारे में बताते हैं। 48 साल के पीसी मुस्तफा का जन्म वायनाड के गांव चन्ना लोडे में हुआ था। उनके पिता कॉफी के बगीचे में कुली का काम करते थे। एक गरीब परिवार से आने वाले पीसी मुस्तफा को स्कूल के बाद अपने पिता के साथ काम करना पड़ता था ताकि वो अपने परिवार की कुछ मदद कर सके। छठी क्लास में फेल होने के बाद मुस्तफा ने स्कूल छोड़ दिया। बाद में एक टीचर ने मुस्तफा पीसी को स्कूल वापस आने में मदद की और मुस्तफा ने गणित में अपनी कक्षा में टॉप किया। इस परीक्षा के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए मुस्तफा ने जी तोड़ मेहनत की। मुस्तफा को इसके बाद अमेरिका के एक भारतीय स्टार्टअप मैनहट्टन एसोसिएट्स में नौकरी मिली। मुस्तफा एक के बाद एक कई सेक्टर्स से जुड़ते गए और साल 2003 में उन्होंने भारत वापस आने का फैसला किया। मुस्तफा यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे। उन्होंने अपने चचेरे भाई को एक सप्लायर को पाउच में इडली डोसा बैटर बेचते हुए देखा। यहीं से उन्हें आईडी फ्रेश फूड का आइडिया आया। साल 2005 में उन्होंने 25,000 रुपए निवेश के साथ इसकी शुरुआत की। ये कंपनी इडली डोसा बनाने के लिए जरूरी मिश्रण को बेचती है। अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलकर उन्होंने इस काम को शुरू किया। बाद में एक दिन में 100 पैकेट बेचने वाली कंपनी अब एक दिन में 50,000 पैकेट बेचती है। कंपनी में 650 लोग काम करते हैं और अब आईडी फ्रेश दुबई में भी अपने पैर जमाने की कोशिशों में है। कंपनी में गांव के लोगों को ही रोजगार के अवसर मिलते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पर जीवन में आगे बढ़ने के कई मौके दिए जाते हैं। आज पीसी मुस्तफा को देश का ब्रेकफास्ट किंग तक कहा जाता है। कंपनी ने साल 2015-2016 में 100 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया। साल 2017-18 में 182 करोड़ और साल 2019-20 में इसका टर्नओवर 350 से 400 करोड़ तक पहुँच गया। पहले दिन जहां 5,000 किलो चावल से 15,000 किलोग्राम इडली का मिश्रण तैयार हुआ और इसे स्कूटर पर लादकर भेजा गया था, आज इससे 4 गुना मिश्रण लाखों स्टोर्स और शहरों तक बिक रहा है। तो ये थी आईडी फ्रेश की सफलता की कहानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।